मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुमामीन। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास। दोस्तों, हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो इसमें जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, इसमें हर चीज हम डिस्कस करेंगे। तो जो है, आप प्रीवियस वीडियो सारी देख लें, चैप्टर वन की तमाम वीडियोस आपको आ गई हुई हैं प्लेलिस्ट में, तो आप जाएं एक एक वीडियोस देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और जो है 100% कामयाबी हासिल करें। तो जो सारी प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाली वीडियोज जो है मिलती रहें, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको ब्रीफली मैंने डिस्कस किया व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर दे के यील्ड के बारे में, बहुत मैंने अच्छे तरीके से, ये तो वीडियो मैंने एक स्क्रीनशॉट के थ्रू बनाई है, वो वीडियो मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्लास के अंदर मैंने बनाई है वीडियो, वो आप लाजमी वीडियो देखें, बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो। तो इसमें जो इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल ऑफ यील्ड डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो न्यूमेरिकल ऑफ यील्ड, क्योंकि इस चैप्टर में जो है एक न्यूमेरिकल आना है लॉन्ग, तो आप ये जरूर कर लीजिए इसे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि एक लाइम स्टोन जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होती है वो रोस्टेड हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्विक लाइम CaO प्रोड्यूस कर रही है। हमें उसने एक्चुअल यील्ड बता दी है, एक्चुअल यील्ड क्या होती है जो थ्रू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। तो हमें वो 2.5 ग्राम kg उसका हमें उसने मास बता दिया एक्चुअल यील्ड ऑफ CaO। और वेन कहते हैं ये कब प्रोड्यूस हो रही है, जब 4.5 kg ऑफ लाइमस्टोन रोस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसका जो रिएक्टेंट भी बता दिया, प्रोडक्ट भी बता दिया, तो व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड हमने निकालनी ऑफ दिस रिएक्शन की। तो यहाँ पे जो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं हम इसे। इसका फार्मूला है हमारा एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 1000। तो ये जो हम देखते हैं क्या होती है, जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड वो है जो हम जो है बाय केमिकल रिएक्शन फाइंड करते हैं, और जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम जो है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास डाटा हमने लिख लेते हैं, मास ऑफ CaCO3 में दिया हुआ 4.5 ग्राम kg। तो CaCO3 हमारे पास कन्वर्ट हुआ है CaO में और प्लस CO2 में। अब kg जो हमारे यूनिट होने चाहिए SI, तो हमने इसको ग्राम में चेंज कर लिया। एक्चुअल यूनिट हमें दी थी 2.5 kg, इसे भी ग्राम में हमें चेंज कर लिया 2500 kg ग्राम। तो हमने जो डाटा सारा लिख लिया और जो कन्वर्जन करनी थी वो हमने कर ली है। तो अब हमने क्या किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि 1 मोल CaCO3 क्या बना रहा है, 1 मोल ऑफ CaO। ये देखें जरा ध्यान से। तो अब यहाँ पे हमने CaCO3 का हमने क्या मोलर मास निकाल लिया 100 ग्राम पर मोल। इस तरह हमने जो है 1 मोल ऑफ इसका मोलर मास निकाल लिया CaO का, सॉरी यहाँ पे मैंने मोल लिखा है, मोलर मास आना है यहाँ पे 40 + 16, हमारे पास 50 ग्राम पर मोल ऑफ CaO हमारे पास आ गया फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब हमारे पास डाटा आ गया, अब हमारे पास क्या है, हमने थ्योरेटिकल यील्ड हम अगर हम देखें 100 ग्राम ऑफ CO3 हमें दे रहे हैं 56 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना दे रहा होगा, 56 ओवर 100 ग्राम। तो इसमें हमने 4500 ग्राम कितना दे रहा है हमें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो है 2520 ग्राम हमारे पास इसकी जो है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में दी थी, थ्योरेटिकल यील्ड निकाल ली हमने, और आसानी से हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हमने फार्मूला में वैल्यूज पुट की हैं और हमने आंसर निकाल लिया 99.2%। ये एफिशिएंस है, केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी है इतनी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आसान से न्यूमेरिकल था, इंशाल्लाह अगर इसमें से आया यील्ड में से एक लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, तो ये आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े और मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ, तो MD CAT E CAT के हवाले से वीडियो बनाऊँ। और आपके कोई कमेंट आएंगे इंशाल्लाह, उस पर भी हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमने सीखा न्यूमेरिकल्स ऑफ यील्ड के बारे में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।